दिल्ली में गर्मी से हाहाकार है। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया। मंगेशपुर इलाके में तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नसबगढ़ में 48.6, नरेला की बात करें तो यहाँ 48.4 दर्ज किया गया। पीतमपुरा की बात करें तो 47.6, पूसा में 47.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान झुलसा देने वाली गर्मी, लू के थप्पड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना दिन में मुश्किल हो रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है। 48 डिग्री से ऊपर का तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। प्रणय शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। प्रणय, गर्मी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या सलाह दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए पंकज, गर्मी का जो सितम है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात ये है पंकज कि अगर हम दिन की बात करें तो लू के थपेड़ों से निश्चित तौर पर जो आम व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त चल रहा है। चाहे इंसान की बात करें या जानवर की बात करें, हर कोई भीषण गर्मी और लू के चलते परेशान इस वक्त है। और अगर हम तापमान की बात करें पंकज, तो तापमान भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार 46 डिग्री तक तापमान बना हुआ है और दिल्ली के कई इलाकों में तो 47 डिग्री तक जो तापमान है वो तक पहुंच रहा है, 47 से 48 तक भी पहुंचा है। तो ऐसे में दिल्ली वासियों को फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक जो लू का प्रकोप है वो जारी रहेगा। लू इस तरीके से ही लोगों को परेशान करती रहेगी और तापमान में भी फिलहाल कोई जो गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि 3 दिन के बाद तापमान में हल्की गिरावट जरूर हो सकती है। जी और क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पंकज, अगर हम बात उत्तर भारत राज्यों की करें तो वहां भी हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा जो गर्मी से लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और किस तरीके से जो तापमान है वो सितम ढाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात आप बरतें, क्योंकि अगर गर्मी में आप बीमार पड़ गए तो जो जो अब बीमारी है वो आपको पकड़ सकती है। ऐसे में जो पूरा सावधानी है उसे बरतने की आवश्यकता है। अमूमन ये देखा जाता है प्रणय कि गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन का शिकार लोग हो जाते हैं, बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, अस्पताल अलर्ट मोड पर रहते हैं। क्या स्थिति अस्पतालों की है? क्या इस तरह के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके उपचार की व्यवस्था? देखिए पंकज, आज सौरभ भारद्वाज ने एक बैठक भी ली थी। हालांकि वो बैठक जो बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी उसे लेकर थी, लेकिन जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि दिल्ली में तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, तो उन्होंने इस बात पर उन्होंने कहा था कि हीट वेव के चलते दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में, 20 से ज्यादा अस्पतालों में जो बेड्स की संख्या है उसे बढ़ाया गया है। खासतौर पर अगर LNGP की बात करें तो वहां भी बेड्स की संख्या को बढ़ाया है। 5 से ज्यादा जो बेड्स हैं वो ऐड किए गए हैं। सरकार का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर्स की हिदायत है उसे गंभीरता से लें, खासतौर से जो युवा हैं जो काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, और बुजुर्ग, उन्हें खासतौर से ध्यान रखना है। और अगर छोटे बच्चों को आप घर से बाहर लेके जा रहे हैं तो उसे ध्यान में रखते हुए भी सारी सावधानियों को बरतना है। पढ़े, कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में गर्मी बढ़ने पर आम लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि रेड लाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो ड्यूरेशन को कम कर दिया गया ताकि लोगों को धूप में सड़क में कम खड़ा होना पड़े, और कई जगह तो टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि लोग थोड़ा छांव में खड़े रहे। इस तरह की प्रशासनिक कोई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो रोजमर्रा के लोग बाहर निकलते हैं रिक्शा चलाने वाले और तमाम लोग, उनके लिए? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये तस्वीरें जरूर देश के अलग अलग राज्यों में से आई हैं। कई जगह तो वाटर स्प्रिंकलर्स भी लगाए गए हैं। हालांकि राजधानी में फिलहाल ऐसा कोई यूनिक स्टेप अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी जरूर रखें, अपने साथ छाता जरूर रखें। कोशिश करें कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो डायरेक्ट सन के नीचे आप ना आए
और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप किसी छांव वाली जगह ही, अगर आपका बाहर का काम है तो किसी छांव वाली जगह बैठें, और पानी जरूर पीते रहें। पानी का जो इनटेक है वो जरूर होता रहे। नमक वाला पानी की जो सलाह है वो डॉक्टर्स दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में इतनी गर्मी में नमक की कमी जो होती है वो शरीर में हो जाती है, और उसकी वजह से जो व्यक्ति है वो बेहोश तक हो सकता है। जी तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स की ये सलाह है, ग्लूकोज का इंटेक जरूर लेते रहें। डॉक्टर्स ने ये भी सलाह दी है कि किसी भी फॉर्म में, और ज्यादा बेहतर होगा लिक्विड फॉर्म में, आप ग्लूकोज का इंटेक लेते रहें, तो उससे आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 48 डिग्री पार कर गया राजधानी दिल्ली में तापमान, गर्मी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं।